ऐसी रेसिपी घर पे बनाए जो बनते ही सफा चट हो जाए। तो ये देखिए सफा चट हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने चैनल निशा ने क्या बनाया है। मैं तो चलिए देखते हैं निशा ने क्या बनाया है। आ गई हूँ यहाँ फ्रिज से आलू, एक आलू बचे हुए थे दोपहर को मैंने जो बॉयल करके रखा था। दाल में जनरली बॉयल करके रख लेती हूँ आलू, ताकि शाम को या रात को कुछ भी ऐसा बनाऊँ ना तो काम आ जाए। तो आलू थोड़ी सी ठंडी हो गई थी और थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है ये आलू ठंडी होने के बाद, क्योंकि अभी नए वाले आलू हैं। और वहीं पे ब्रेड लेके आ गई थी, 3 से 4 ब्रेड ही बचे थे या 5 थे लगभग नीचे वाले को लेकर। तो आलू को यहाँ पर छील कर मैंने कर लिया है अच्छे से मैश, बिल्कुल अच्छे से। जितने मैश हो सके आप उतना कर लें, हाथों से भी कर सकते हैं, फोक की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको करना हो। तो इस तरह से मैंने उसको मैश कर लिया। एक ही बड़े साइज़ का आलू था और ब्रेड भी इतने ही थे। बच्चे मतलब परेशान करते, कुछ बनाओ कुछ बनाओ, फिर इतने से ब्रेड से क्या बनाते। फिर मैंने सोचा चलो कुछ बनाया जाए। तो ये देखिए 5 ब्रेड हैं टोटल, वो लास्ट वाले को लेकर ऐसे 4 हैं। तो इन दोनों का ना हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। इसका पाउडर यानी कि इसे ग्राइंड कर लेंगे तो अच्छा सा हमें जो है ना ब्रेड का पाउडर मिल जाएगा। वो लास्ट में हमें काम आएगा जब हम ब्रेड का जो इस रेसिपी को बना रहे हैं ना, तो उस लास्ट में। तो ये प्रोसेस हम पहले कर ले रहे हैं, आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। इधर ले लिया है हमने आलू को और यहाँ कट करके रख ली पहले से ही, तो मतलब स्टार्ट करने से पहले ही कट कर लिया था। और 2 छोटे छोटे कटोरी में ना मेयोनीज और सॉस भी ले लिया, और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, थोड़ी सी धनिया पत्ती को कट कर लिया था और थोड़े से टमाटर को, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है। तो इन सब को अब हम डालेंगे इसी आलू में, सारे चीज़ को यहीं पर डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे और सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च वगैरह। और यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा हम चाट पाउडर, चटपटा टेस्ट के लिए। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसकी जगह, अगर आपके पास चाट पाउडर नहीं है तो। और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और इसको कर लेंगे मिक्स हाथों से या स्पून की मदद से, आपको जैसे भी सुविधा लगे आप वैसे मिक्स कर लें। थोड़ी सी स्टिकी है आलू, क्योंकि ये दोपहर वाली ही आलू है और हम इसका काम शाम को कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्टिकी हो गई है, तो आराम से मिलाएं हाथों पे लग रहा है। और अच्छे से देखिए हमने मिक्स कर लिया है उसको। और यहाँ पर हमारे पास बचे हैं 3 ब्रेड, इसी से हम मतलब बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक थाली जिसमें हम लगा के रख सके, तो लाइट भी यहाँ पर चली गई। हमेशा का यही नाटक है, लाइट चली जाती है, मुझे प्रॉब्लम होता है लेकिन मैं भी रुकती नहीं हूँ। फिर यहीं पे उसके ऊपर लगाएंगे टमाटो सॉस अच्छे से, बिल्कुल स्पून की मदद से यानी कि चम्मच की मदद से। और फिर उसके ऊपर लगाएंगे मेयोनीज़, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सॉस हो तो वो भी लगा सकते हैं, और वो भी ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इससे अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ओवरऑल में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप चाहे तो प्लेन भी इसे बना सकते हैं। और वहीं पर इसके ऊपर ना आलू को अच्छे से लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए आलू थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, आप चाहे तो ताज़े आलू को बॉयल करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ना ऊपर से बिल्कुल एक परत जैसा होता है ना, जैसे हमने सॉस वगैरह लगाया उसी तरह से आलू को भी बिल्कुल अच्छे से ऊपर से लगा देंगे, बिल्कुल बढ़िया से, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से ना हम सारे ब्रेड में पहले सॉस लगाएंगे, मेयोनीज लगाएंगे, और आप चाहे तो इसमें और भी मसाला डाल सकते हैं या चिली सॉस वगैरह लगा सकते हैं। बच्चे भी खाएंगे इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, और किसी एक में लगाऊंगी ना तो फिर ऊपर से पता नहीं चलेगा कि किस में हमने तीखा वाली चटनी लगाई और किस में नहीं लगाई है। इसलिए मैंने नहीं लगाया किसी में भी चिली सॉस या सेजवान चटनी, क्योंकि बच्चों को फिर वो तीखी लगेगी। और इसी तरह मैंने ना तीनों पहले एक साथ तैयार कर लिए, ऐसे इजी रहता है, बार बार करने में फिर हो जाता है दिक्कत हमें और टाइम भी लग जाता है। तो इस तरह से सब में आलू हमने लगा लिया है, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इस तरह से भी। और इसको कर लेंगे हम बीच से कट, आप चाहे तो इस तरह भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन पीसेस में इसको कट कर लेंगे अगर लोग हों ज़्यादा और ब्रेड हो कम, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। और ऐसे भी उतना ना बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा, तो आप इस तरह से एक ब्रेड को ना 4 पीस में कट कर लें। आप चाहे तो पहले कट करके उसके बाद आप सॉस वगैरह लगा के और उसके बाद आलू लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि एक बार आपने लगाया और उसके बाद सिर्फ कट किया। तो इस तरह से कर ले, ऐसे आप वैसे भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कट कर लिया है तीनों ब्रेड को और हमारे पास 12 पीस हो गए हैं। यहीं पे लिया है मैंने एक कटोरी, और कटोरी में ले रही हूँ मैदा 2 चम्मच के करीब, यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। आप इसकी जगह चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। वहीं पर लिया है थोड़ा सा नमक यानी कि स्वाद अनुसार,
ये थोड़ा सा हम बैटर बना रहे हैं जिसमें हम जो वो आलू वाला ब्रेड है ना उसको डिप करेंगे, तो बैटर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, इस तरह का होगा कि एक कोटिंग उसके ऊपर आ जाए जिसमें वो सिर्फ भींग जाए ऊपर से। तो इस तरह से एक प्लेट लेंगे और उसमें क्रम्स निकाल लेंगे, यानी ब्रेड क्रम्स हमने जो मिक्सी के जार में ही छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा ये हो गया इस तरह से, मतलब ढेला ढेला सा उसको हाथों से अच्छे से कर लेंगे क्रस, और फिर यहीं पे चढ़ा देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म होते ही उसमें ऑयल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ देंगे तब तक लो फ्लेम पे। और वो मैदा वाला जो हमने घोल बनाया था ना उसमें हम ब्रेड को डिप करते हुए इस तरह से और लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, यानी कि उसमें इस तरह से एकदम बिल्कुल अच्छे से डिप करके ना चारों तरफ से बिल्कुल इस तरह का कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ऊपर से ना एक परत आ जाएगी ब्रेड क्रम्स की, यानी कि ब्रेड की चूरन की। और इसी तरह से जितनी ब्रेड है ना हमारे पास, हम सबको सेम प्रोसेस से बिल्कुल मैदे के ये घोल में डिप करते हुए अच्छे से बिल्कुल ऊपर से कोटेड कर देंगे इस ब्रेड क्रम्स के, यानी कि ब्रेड के चूरन से। और चलिए, तो सारा हमारा होके तैयार है, अब हमें सिर्फ इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है ना वो भी गर्म हो चुका है, आप चाहे तो सरसों के तेल में भी इसको तल सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल में इसको तल रही हूँ। तो एक बार में मैं चार ही डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई छोटी है, और इसे हाई फ्लेम पे ही तले, ये तो बहुत छोटी है और पतली कढ़ाई है तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, तो इसलिए मैं मीडियम हाई करती जा रही हूँ। अगर आपका कढ़ाई मोटा हो या मोटे तले का हो तो आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करें, क्योंकि हमारी आलू पहले से पकी हुई है, सिर्फ इसे ऊपर से क्रिस्पी होना है, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से अलट पलट करते रहेंगे, मतलब दो दो सेकेंड पे, और अच्छे से इसको ना बिल्कुल अच्छे से ब्राउन कलर का कर लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए कितने अच्छे से, मतलब कितना अच्छा कलर आया है ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है इस तरह की रेसिपी तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और बहुत ईजी भी है। और यहाँ पर ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा, मतलब सोख नहीं कर रही है, आपको दिख रहा होगा ऑयल भी सोख नहीं करेगी क्योंकि इसके ऊपर जो है ना मैदा का कोटिंग है, तो ये ऑयल बिल्कुल भी सोख नहीं करेगी। और देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ना, मैं उसे लास्ट में आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। और बनते सच में सफ़ा चट हो गया था, मैं सच बता रही हूँ। और उधर से अर्पित ऐसा कर रहा है, मैं अभी वीडियो में वॉइस ओवर करने के टाइम ही देख रही हूँ कि वो ऐसे भी कर रहा था कि मुझे दे दो, मैं सिर्फ उसकी आवाज़ को सुन रही थी कि मम्मी मुझे दे दो, मैं बोल रही थी दे रही हूँ बस डालने दो इसके अंदर, उसके बाद मैं फिर तुमको दे रही हूँ। और अर्पित भी आ गया कि मुझे भी डालेंगे, तो मैंने उसको भी स्लैब पे बिठा दिया, बोला मुझे प्यार करो, तो फिर थोड़ा प्यार भी कर लिया उसको। बच्चों के साथ ना थोड़ा मुश्किल होता है काम करना, इसलिए जब स्कूल पे होते ना तभी मैं ज़्यादातर, मतलब चाहती हूँ कि तभी रेसिपी कंप्लीट हो। तो ये देखिए हमारा जो थर्ड बैच है वो भी बन के तैयार है, और कितना मतलब क्रंची और क्रिस्पी, क्या बोलूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई थी। बनते मतलब ख़त्म होने का ही चांस था, मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी बन जाएगी ये। तो ये देखिए आप भी इंजॉय कीजिए। फाइनली अर्पित का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारा जो है ना पूरा कंप्लीट बनके तैयार हो गया। इसे मेयोनीज़ के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, चिली सॉस हो, सेजवान चटनी हो, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो देखिए ऊपर से क्रंची और अंदर से कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल भी ऑयल अंदर नहीं गई है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। बच्चों का रिएक्शन देख के आपको पता चल रहा होगा, तो बाय।